ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको 5 एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ वीएन एडिटर का, जिसका यूज करके आप अपनी वीडियोस को और भी प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो एंड सारे टिप्स एंड ट्रिक न्यू होने वाले। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड उम्मीद करता हूँ सारा टिप एंड ट्रिक्स आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। उसे क्रिएट करने के लिए प्लस वाले बटन के ऊपर हम टैप करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अपनी रॉ वीडियो को सिंपली से हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। देन उसके बाद जो फोटो आपने एडिट किया उस फोटो को सेलेक्ट करना होगा। सो फोटो सेलेक्ट करने के लिए फोटो के ऊपर आएंगे एंड जो भी फोटोज आपने एडिट किया होगा उन सारे फोटोज को यहाँ पे सिंपली से आपको ऐड कर देना है। ओके, और इस टाइप के वीडियो और आपको जानते हो इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ओके, सो इसे आज हम फटाक से क्रिएट कर लेंगे। तो वीडियोज हमारी इस तरीके से ऐड हो चुकी है। ओके, सबसे पहले जो काम होगा वो होगा हमें म्यूट करना, क्योंकि यार नदी ये सब के सामने मींस हम रिकॉर्डिंग कर रहे तो कुछ ना कुछ तो नॉइज आएगा, तो इसलिए आप म्यूट कर देना। फिर उसके बाद हम सॉन्ग यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पोज आपने दिया एंड उसके बाद अपना जो एडिटेड फोटो होगा उसे आप यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, नाउ इसमें मेन बात क्या है कि म्यूजिक एंड एनिमेशन लगाना। तो म्यूजिक लगाने के लिए प्लस बटन के ऊपर टैप करेंगे, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो म्यूजिक आपको अप्रोप्रिएट लगे या फिर जो म्यूजिक यार ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी इंस्टाग्राम पे, उस वाले म्यूजिक को सेलेक्ट करना एंड ऐड कर लेना। ठीक है, तो म्यूजिक ऐड हो चुका। अब उसके बाद बात रहा यहाँ पे हमें इफेक्ट्स लगाने के। ठीक है, तो इफेक्ट लगाने के लिए आप ट्रांजिशन के ऊपर आ सकते हो एंड ट्रांजिशन में आपको काफी सारे इफेक्ट मिलते हैं जिसमें कि आप जूम को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जूम काफी अच्छा लगता है देखने में। अदरवाइज यहाँ पे आपके सामने दो न्यू इफेक्ट आए हुए हैं, जैसे कि रोटेट 1 एंड यहाँ पे रोटेट 2। तो रोटेट 2 या फिर जूम, दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। सो फिलहाल मैं जूम को यूज करता हूं। देन उसके बाद इसमें अगर आप चाहो तो एफएक्स के ऊपर आके सिंपली सा यहां पे जिटर डाउन को आप यूज कर सकते हो। सो जिटर डाउन को यूज करेंगे एंड इसे स्टार्टिंग तक लेके आ जाएंगे एंड डन करेंगे। देन उसके बाद आप यहां देख सकते हो कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली आप यहां पे भी कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहां पे सिंपली सा ये वाला रोटेट 2 रख लेता हूं। ओके, एंड देन उसके बाद यहां देख सकते हो हमारी जो वीडियो है वो क्रिएट हो चुकी है। ओके, सो इस तरीके से क्रिएट करना है। नाउ क्रिएट हो चुका, तो एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अपने सेकंड ट्रिक के ऊपर हम आते हैं। सो सेकंड ट्रिक हमारा होने वाला है लाइट ट्रांजिशन। जैसे कि आपने देख लिया इस टाइप का ट्रांजिशन यार बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम सिंपली सा कोई वीडियो को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि इस वाले को वीडियो को मैं यहाँ ऐड करता हूँ एंड देन उसके बाद लाइट ट्रांजिशन ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल होता है। आप सिंपली सा डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ पर लाइट ट्रांजिशन ऐड करना है। ठीक है, जहाँ ऐड करना होगा वहाँ पर स्प्लिट कर देना अपनी वीडियो को। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजिशन का बटन देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर सिंपली सा क्लिक करना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक लाइट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब ये जो लाइट ट्रांजिशन है ना वो हर कोई को नहीं मिलेगा, आपको अपडेट करना होगा अपने वीएन एडिटर को, तब जाके आपको ये लाइट ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो मस्ट है कि यार आप अपडेट कर लेना। देन उसके बाद इसके ऊपर आप टैप करोगे तो देख सकते हो लाइट ट्रांजिशन इफेक्ट हमें मिल चुका। नाउ सिंपली सा इसका अगर आप ड्यूरेशन इंक्रीज करना चाहो तो वो कर सकते हो या फिर कम करना चाहो तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ना सिंपली सही से हम डन कर दे। अगर मल्टीपल प्लेसेस पे करना है तो मल्टीपल प्लेसेस पे आपको कट करना होगा स्प्लिट करके एंड यहां से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइट ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। सो ट्रिक नंबर 3 के ऊपर हम आते हैं एंड आपको पता होगा कि डायरेक्टली हम ब्लर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपली से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे एक अपने फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले फोटो को मैं सिंपली से यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर दे तो फोटो ऐड हो चुकी। अब आपको पता होगा कि डायरेक्टली हम ब्लर नहीं कर सकते, तो इसका एक ट्रिक ये है कि आपको स्क्रॉल करना है, बीजी के ऊपर आना है एंड यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इमेज सेलेक्ट हो गया, देन आप डन करो एंड उसके बाद अपने इमेज को नीचे कर दो तो देख सकते हो ब्लर हो चुका। ओके, देन उसके बाद इसका यूज कैसे किया जाता है, आप पीआईपी के ऊपर क्लिक करके सेम फोटो को यहां पे आप लेके आओ। ठीक है, सो फोटो के ऊपर हम टैप करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मास्क का ऑप्शन मिलता है, इसे इनेबल करो और इसमें काफी सारे आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें मैं फ्लावर को सेलेक्ट करता हूँ, साइज को थोड़ा इंक्रीज करते इतना करते एंड डन करते और थोड़ा सा मैं और इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मोशन के ऊपर आप आके लूप में आके जस्ट यहाँ पे फ्लॉट को सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ उसके बाद डन करोगे तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन जाएगा। अब इसमें लिरिक्स पार्टिकल इफेक्ट ये सब ऐड करके आप काफी कमाल का स्टेटस क्रिएट कर सकते हो।
सो इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट हो चुका, एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो फोर्थ ट्रिक होगा यार हमारे कलर ग्रेडिंग, ठीक है। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते एंड अपनी एक यूट्यूब वीडियो को हम सेलेक्ट आउट कर लेते, फॉर एग्जांपल ये वाला जो अभी मैंने शूट किया था, ठीक है। एंड उसके बाद इसे ऐड करते, ऐड करने के बाद कुछ ऐसा इसका कलर सही सब है, ठीक है ना। इसमें कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि फिल्टर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो काफी सारे आपको फिल्टर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई पसंद आ गया भाई तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ओरिजिनल रहने देना, देन एडजस्ट के ऊपर आना एंड एडजस्ट के ऊपर आकर जस्ट आप इसका थोड़ा सा एक्सपोजर इंक्रीज, कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज, ब्राइट को डिक्रीज, सॉरी कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना, डिक्रीज नहीं करना, सेचुरेशन को इंक्रीज करना एंड वाइब्रेंस सब को इंक्रीज करके टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना। तो देखो डिक्रीज करने वाला चीज टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस होता है, क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। विंटेज चाहो तो ये आप ऐड कर सकते हो, बट उतने सही चीज नहीं है, ठीक है। नाउ HSL के ऊपर आपको क्लिक करना होता है एंड जो कलर को आपको कलर ग्रेड करना है, ठीक है। मान लो ब्लू कलर को मुझे कलर ग्रेड करना है, तो देख सकते हो मैं ब्लू को कलर ग्रेड कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, इसका सेचुरेशन थोड़ा कम करता हूं एंड इस तरीके से करता हूं, और पीला को भी हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से करके आप यहाँ पे एक एक कलर को कलर ग्रेड कर सकते हो, शार्पन के ऊपर आकर आप इसका क्वालिटी को और अच्छा इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो अपने प्रोफेशनल वीडियो, ओके। नाउ उसके बाद सिंपली से बैक करते तो फिफ्थ एंड लास्ट, तो इसे क्रिएट करने के लिए यार प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करेंगे एंड जो भी वीडियो में आप सिनेमैटिक लुक देना चाहते हो, ठीक है, जिस भी वीडियो में, तो उस वाले वीडियो को आप सिंपली से सेलेक्ट आउट करना देन उसके बाद ऐड कर लेना, ओके। नाउ इसमें यार अगर मैनुअली हम इसे एडिट करते तो काफी टाइम लगता है, बट मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आपको एक प्लस का बटन दिख रहा होगा, जैसे कि ट्रांजिशन में होता है उस तरीके का, इसके ऊपर आपको टैप करना एंड यहाँ पे आपको वर्टिकल मिलेगा और एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा, तो जो आपको पसंद आता है आप उसे सेलेक्ट आउट कर सकते हो, ड्यूरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड आपके वीडियो के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो, नाउ इसे डन करते। अब इसी तरीके से यार यहाँ पे आप बार्स ओपनिंग कर सकते हो, साथ ही में अगर और आपको अच्छे तरीके से इसे सिनेमैटिक लुक देना है तो फिल्टर के ऊपर आके जस्ट कोई सिनेमैटिक फिल्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये वाला है, थोड़ा कम कर देते एंड एडजस्टमेंट में जाके सिंपली से आप यहाँ पे HSL टूल का यूज कर सकते हो। यूज कैसे करना है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे अपने कलर ग्रेडिंग करके अपनी वीडियो को और भी ज्यादा सिनेमैटिक लुक को प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। सो ये थे हमारे 5 टिप्स एंड ट्रिक जिनका यूज करके आप अपने रील वीडियो को भी अच्छे से एडिट कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने एक यूट्यूब वीडियो के लिए भी करके दिखाया एंड एक स्टेटस वीडियो के लिए भी करके दिखाया, ठीक है। तो मीन्स मैंने हर एक चीजों को थोड़ा बहुत कवर किया है। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल काफी पसंद आया होगा एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।